With the union budget for the financial year 2025 just weeks away from being presented, the women working in the papad making unit in Vadodara have a very simple expectation from Finance Minister Nirmala Sitharaman: measures to bring inflation down. सर हमको खाने पीने की चीज़ों में भाव थोड़ा कम हो तो हम हमारा घर में भी चला सकते हैं और यहाँ जहाँ पे गृह उद्योग में काम करते हैं वहाँ भी खाने पीने की चीज़ से ही सब उपयोग होता है. तेल है, जैसे दाल है, जैसे चावल है, गैस का बोतल है, उसमें कुछ सहाय मिले तो हमारा भी गृह उद्योग चले और उसके साथ साथ हमारा घर भी चले. हम मेहनत करके कमाते हैं तो बजट थोड़ा साधारण हो तो हमको भी अच्छा मिले, मेहनत करके हमारा भी घर संसार चले. और बजट में थोड़ी कुछ कम हो तो हमको भी अच्छा पैसा मिले, यानी हर चीज़ का भाव कम हो तो दो पैसा हमारे इसको उद्योग को भी मिले, मनमस्सी को मिले और हमको भी वो बजट अच्छा चले तो हमको भी पगार अच्छा मिले. भाव वधारा है वो कम हो जाए, जैसे बिजली में, शक्कर में और आटा, चावल के आटा, तो सब महिला ये काम कर सकती है और उसको मतलब उम्मीद हो सकती है काम करके आगे बढ़ने की. हम तो यही चाहेंगे कि अब महंगाई अभी कम हो, जो तेल का दाम 1800 रुपये हो गया है, 1000-1200 तक हो जाए, और दाल का दाम 150 रुपये है तो हमारे को 70-100 तक हमारे को पोसाए, और गैस का दाम बहुत 1200-1300 रुपये है तो हमारे को इतना सब नहीं चलता और कम है तो 700-800 तक पोसाए. This Vadodara papad making factory is managed exclusively by women and they are seeking relief in income tax and GST rates, stating that these measures will go a long way in ensuring their business runs efficiently and sustainably. हम सरकार को मांग ऐसी कर रहे हैं कि थोड़ा महिला गृह उद्योग को, जो सरकार की नीति है महिला स्त्री सशक्तिकरण की, उसमें थोड़ा महिला गृह उद्योग को थोड़ा इनकम टैक्स में राहत या कोई सब्सिडी या कोई इंटरेस्ट माफ या टैक्स एग्जम्पशंस. बजट के जैसे ऐसे ऐसा है कि जीएसटी का भाव घटे, आपने अनाज पानी कठोर चोखा सबका भाव घटे तो सब अपने कंसेशन के सस्ता मिले तो सबको पोसाए और सब मानसों के रोजी रोटी देने में सहाय पड़े. Many women in the papad making unit are hopeful that Nirmala Sitharaman will pay heed to their demand and provide them with some relief in the upcoming union budget.